वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बना रही हूँ आज मूली के पराठे। मैं अभी क्रश करने के लिए रखी है मैंने, और यहाँ आलू रखे हैं, जिसको आलू के खाने होंगे आलू के खाएंगे। और मैं बना रही हूँ आज सरसों का साग ते मक्की दी रोटी। तो बस मैं थोड़ा सा मूली वगैरह कद्दूकस कर लेती हूँ। विदांशी नहा के आ गया, दिखाओ भाई शक्ल इधर। ओह आज बाल धोए और इधर सरदार जी, इधर आ जा, इधर आ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरी मक्की दी रोटी ते सरसों दा साग, और उसके साथ हम घी डालेंगे। एक्चुअली हम जो पहाड़ी लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, ज़्यादा ही डाल दिया मैंने। हम जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, हम ज़्यादातर कोई भी चीज़ में घी बहुत खाते हैं, क्योंकि हमारे घर में अपनी गाय होती है। तो इसमें थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये हम डालेंगे साग में, क्योंकि साग में भी हम घी खाते हैं। तो ये है आज का डिलीशियस नाश्ता मेरा, और बस मैं अब नाश्ता करके ऑफिस निकलूंगी। तो मिलते हैं आपसे। मैं बस रेडी हो गई हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। आज मैंने, मेरा थोड़ा सा तैयार होने का मूड था, तो मैंने कुछ इस तरह का ड्रेस वेयर किया है, साथ में मैं जैकेट भी वेयर करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि रास्ते में ठंड भी है अभी, और मुझे स्कूटर पे एक्टिवा पे जाना है। बस रेडी हो गई हूँ, मैं ऑफिस के लिए निकल रही हूँ। फ्यू मिनट्स लेटर फ्रेंड्स, तो मैं आई हूँ सेक्टर 20। यहाँ पर जूस बहुत अच्छे मिलते हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ का जूस पियो। तो मैं यहाँ आई हूँ, और ये देखिए मैंने यहाँ बोला है इनको जूस बनाने को। भैया बना रहे हैं जूस, बन गया जूस। बस सब जा रही हूँ मैं ऑफिस, मिलती हूँ आपसे ऑफिस में। 2 hours later तो गाइस, मैं फ्री हो गई हूँ ऑफिस से, और बस सब मैं निकल रही हूँ। ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हाय फ्रेंड्स, मैं ऑफिस जाने के बाद वापस भी जल्दी से आ गई थी, क्योंकि आज मुझे था कुछ अर्जेंट वर्क, और जिस वर्क के लिए हम लोग जा रहे हैं रावत जी के साथ, और किस काम से जा रहे हैं वो आगे वाले ब्लॉग में आप लोगों को पता चलता रहेगा। फिलहाल तो अभी हम निकल गए हैं, और लंच भी नहीं किया हमने, लंच आके करेंगे। तो देखो चंडीगढ़ की सड़कें आज कैसी लग रही। और मैंने बाल अपने बांध दिए थे, क्योंकि मुझे खुले बालों में ज़्यादा ऐसे ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं लगता, और ये देखो चुटिया बांध ली मैंने। बस चल पड़े हैं हम, तो देखिए आप रास्ते, कभी कभी रास्ते भी देखने चाहिए फ्रेंड्स। पारस डाउनटाउन आए हैं, गर्मियां आ गई फ्रेंड्स, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं। फ्रेंड्स हम लोग फ्री हो गए, और बस अब हम लोग निकल रहे हैं घर की तरफ, क्योंकि भूख भी लग रही है बहुत ज़्यादा, और घर पे खाना बना हुआ है, नहीं तो कुछ खा लेते बाहर ही। बट जा रहे हैं क्योंकि मम्मी पापा भी कहीं बाहर जा रहे हैं, तो फिर बच्चों के पास भी कोई नहीं होगा, तो बस फटाफट से अब हम घर जा रहे हैं। ट्रेन आ गई मेरे पीछे, ट्रेन आ गई है, देखो फ्रेंड्स। मैंने ली है ये वाली ड्राई फ्रूट रबड़ी, और फ्रेंड्स मैं भी जाऊंगी एक दिन कनाडा।
मेरा बहुत टाइम से ड्रीम रहा कि मैंने कनाडा जाना है, लेकिन कोविड आया तो उसके बाद मैंने अपना ड्रीम चेंज कर दिया फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं पहुंच गई थी घर और घर आके खाना वाना खाया हमने, और रावत जी फिर चले गए, उनका कुछ काम और रहता था जो कि करना था उन्होंने, और बस मैं बैठी हूँ बच्चे लोगों के साथ। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं शिवन्या ने मुझे पकड़ा हुआ है टेस्ट बनाने के लिए। तो मैंने ये देखो, फाड़ो मत, मैं बना रही हूँ। आज मेरे बाल कटवाने वाले। अंश गए बाल गए बेटा, प्रूफ रख रही हूँ मैं बस गए बाल। अंश ले ले मजे वो देखो, इतने सारे लंबे बाल। अंशु ये देखो, वो देखो, वो रख दिया भैया ने घर ले जाना कहते। फ्रेंड्स, अंशु ने सडन ही इसका कुछ मूड बना हेयर कट लेने का। अच्छे भले लंबे बाल थे, फिर मानी नहीं, तो फिर हम हेयर कट करा के आए हैं अभी, और आप इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, ये बना है इसका फाइनल लुक। तो जरूर कमेंट करें कैसी लग रही है ये। और मम्मा ने बोला था कि कटवाओ, मैं तो बहुत दिनों से बोल रही थी लेकिन सुन ही नहीं रही थी। आज सडन ही इसका प्लान हुआ कि मम्मा हेयर कट ले लो, और हेयर कट करवाना है। मैंने जिद पे ही अड़ गई। तो गाइस ये देखिए, अब इसने हेयर बैंड लगा लिया है और कह रही है देखो मुझे दिखाओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। ठीक लग रही है, चलो अच्छे लग रहे हो आपको। आज का ब्लॉग आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, और बस इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। फ्रेंड्स अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें दोस्तों। फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।